आज के इस आधुनिक युग में लोग सन्यासी बनने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। तभी तो प्रश्न करते हैं, क्या गृहस्थ जीवन को जीते हुए सन्यासी बना जा सकता है? कुछ तो कहते हैं कि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं भगवान के प्रति निष्ठा रखता हूँ और मैं एक सन्यासी का जीवन भी जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा परिवार मुझसे प्रेम बहुत करता है, मुझसे बहुत मोह करता है और वह मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, तो क्या मैं एक सन्यासी का जीवन नहीं जी सकता? देखिए, स्वाभाविक है कि हमारा परिवार और हम आपसी मोह में बंधे हुए हैं, या यूं कहें कि एक छल से बंधे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमारा परिवार बिना हमारे नहीं रह सकता, वह हमसे बहुत प्रेम करता है, जबकि यह वास्तविकता है ही नहीं। देखिए, सन्यास का यह मतलब कभी नहीं रहा कि एक सन्यासी कभी गृहस्थ नहीं हो सकता और एक गृहस्थ कभी सन्यासी नहीं हो सकता। एक सन्यासी होने का अर्थ है आत्मचिंतन के लिए पर्याप्त अवसर को पाना और फिर तय करना कि उसे क्या करना है। लेकिन लोग सन्यास लेते हैं झूठी जयकारा, श्रद्धा और भौतिक सुख के लिए। ये वही लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि मैं तो उस आश्रम से सन्यास लूंगा जो अपनी जाति या वर्ण का हो। ये लोग संसार त्यागने का नाटक करते हैं, लेकिन सारी मेहनत सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। इसलिए आज मौलिक सन्यासी लुप्त होते जा रहे हैं और सांसारिक सन्यासियों का ही वर्चस्व छाता जा रहा है। यानी जो भी सन्यासी आजकल हम देख रहे हैं, वो सब इस भौतिक जगत के सुखों को भोग रहे हैं, ना कि एक सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। वह व्यक्ति कदापि सन्यासी नहीं हो सकता जो स्वयं अपनी मर्यादा नहीं जानता, जो दूसरों की संपत्ति पर निगाह गड़ाए, जो दूसरों के आय और बैंक पर लार टपकाए, जो अपनी संस्कृति और भाषा को विदेशियों से कम करके आके। और वह व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं बन सकता जो भौतिक सुखों को भोगते हुए और परिवार मोह में रह जाता है। कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है, वह कभी भी सन्यासी नहीं हो सकता। आइए समझते हैं कि एक सन्यासी कैसा होना चाहिए। देखिए, एक सन्यासी भौतिक सुखों और परिवार मोह से मुक्त होता है। एक साधक तभी सन्यासी बन सकता है जब वह अपने अंदर की यात्रा शुरू कर देता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक नगर में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। आत्मज्ञान की खोज में भटकता हुआ एक नवयुवक एक दिन उनके पास आया। महात्मा जी की एक शर्त थी कि वह उसे आत्मज्ञान का उपदेश तभी देंगे जब उसे योग्य समझेंगे। इस तरह वह युवक कुछ दिन के लिए उन्हीं के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर आश्रम की जलपान की व्यवस्था करता, महात्मा जी के हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाता। उस नव युवक के सेवा भाव से महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस नव युवक से कहा, बेटा, आत्मकल्याण ही जीवन का असली उद्देश्य है, अतः हर बुद्धिमान मनुष्य को इसे अवश्य पूरा करना चाहिए। यह सुनकर युवक बोला, गुरुजी, अगर मैं वैरागी हो गया तो मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? मेरे माता पिता कैसे रहेंगे? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। महात्मा जी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, मैं नहीं कहता कि तू मेरी तरह सन्यासी हो जा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को कुछ समय घर परिवार से दूर रहकर आत्मकल्याण हेतु अपना समय लगाना चाहिए। युवक ने कहा, महात्मा जी, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यदि मैं एक दिन के लिए भी गायब रहूं तो मेरे माता पिता और पत्नी पूरे गांव में खोजबीन शुरू कर देते हैं। आपके पास आने के लिए भी मैंने उनको झूठ बोला कि मैं व्यापार करने जा रहा हूं, 8-10 दिन लग सकते हैं। अगर मैंने अपना परिवार छोड़ने के लिए अपने माता पिता को बोल दिया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, मेरी पत्नी तो आत्महत्या कर लेगी। महात्मा जी उस नव युवक को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तब मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोले, कोई नहीं मरने वाला, ये सब दिखावटी प्रेम है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले ले, तेरा मोह भी टूट जाएगा और तू वास्तविकता को भी समझ जाएगा। अपने परिवार की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए युवक राजी हो गया। महात्मा जी ने उसे एक ऐसा प्राणायाम सिखाया जिससे श्वास को सूक्ष्म करके लगभग रोका जा सके, जिसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। महात्मा जी ने उसे घर जाकर बीमार होकर श्वास रोकने का आदेश दिया। महात्मा जी ने जैसा कहा था उस नव युवक ने वैसा ही किया। वह घर गया और बीमार पड़ गया। आसपास के वैद्यों को बुलाया गया। इतने में उसने श्वास को सूक्ष्म करके रोक लिया। जांच करने पर वैद्यों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के मरने की बात पता चलते ही घर परिवार वाले चिल्लाने लगे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उसका क्रियाकर्म करने की तैयारी करने लगे। तभी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए वो महात्मा वहां आए। महात्मा बोले, यह युवक विशेष है, इसे जिंदा किया जा सकता है। महात्मा की यह बात सुनकर घर वाले खुश हो गए और आस पड़ोस के लोग आश्चर्य से देखने लगे। महात्मा ने कहा,
एक दूध का कटोरा लेकर आओ। जल्दी ही दूध का कटोरा लाकर महात्मा जी को दे दिया गया। महात्मा जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस कटोरे में चुटकी भर राख डाली और फिर बोले, जो कोई भी अपना जीवन इस युवक को देना चाहता है वो ये दूध पी ले। यह दूध पीने वाले व्यक्ति के मरते ही यह युवक जीवित हो जाएगा। लेकिन अब समस्या यह थी कि ये दूध पिएगा कौन। कुछ देर तो महात्मा जी आंखें बंद किए कटोरा लेकर बैठे रहे। जब कोई आगे नहीं आया तो महात्मा जी उस युवक के माता पिता के पास गए और बोले, आपका बेटा है, जीवन दान नहीं देंगे इसे। माता पिता बोले, हमारे मरने के बाद इसके जिंदा होने का क्या फायदा, और मैं जानता हूँ या होगा भी नहीं, इस बात का क्या प्रमाण है। अगर हम जिंदा रहे तो बेटे तो और भी हो जाएंगे। तब महात्मा जी कटोरा लेकर उस युवक की धर्मपत्नी के पास गए और बोले, क्या तू भी अपने प्राणनाथ के प्राण नहीं बचाएगी। पत्नी बोली, महात्मा जी, इस दुनिया में जन्मा हर व्यक्ति मरता है। ईश्वर ने सबको अपने अपने हिस्से की जिंदगी दी है। अगर मैं मर कर इनको जिंदा कर भी दूं तो भी इनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए ये दूसरा विवाह कर लेंगे। इससे अच्छा तो यही है मैं अपने मायके चली जाऊं और दूसरा विवाह करके सुख से अपना जीवन व्यतीत करूं। तब महात्मा जी ने आस पड़ोस और अंत्येष्टि पर आए रिश्तेदारों की ओर कटोरा बढ़ाया, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया। तब महात्मा जी बोले, अगर कोई पीने को तैयार नहीं है तो मैं ही पी लेता हूँ। इतना सुनते ही सब आपस में चर्चा करने लगे, हाँ, संतों का जीवन तो होता ही परोपकार के लिए है, इनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। महात्मा जी के नाम पर हम नदी, तालाब और नहरें बनवा देंगे। इनका नाम विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। महात्मा जी ने दूध पिया और युवक को झकझोरते हुए बोला, उठ बेटा, उठ, हो गया ना तेरे भ्रम का निवारण, देख लिया ना कौन है जो तेरे लिए प्राण देगा। युवक उठा और महात्मा जी के साथ चल दिया। घर परिवार वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पलट कर एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। अब उसके झूठे प्रेम का मोह टूट चुका था, अब वह आत्मकल्याण की साधना करने निकल पड़ा था। देखिए, यह कहानी बताने का केवल इतना ही उद्देश्य था कि अपनों से प्रेम रखें, मोह नहीं। यानी आप उनके मोह के चक्कर में इतना ना पड़ जाएं कि आप उस परमात्मा को ही भूल जाएं, अपने अंदर की उस यात्रा को ही भूल जाएं जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाती है। आप अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करें, लेकिन उसी के साथ यह भी ध्यान होना चाहिए कि आत्मोन्नति भी हमारा कर्तव्य है, जिसको केवल और केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि इस लोक के सभी लोग केवल इस लोक तक ही सीमित हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही होता है। अपने अंदर की यात्रा को शुरू करने के लिए आप जो पहले यात्रा कर रहे थे उस यात्रा को छोड़ना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जीवन का सत्य जानना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको यह समझ आ गया होगा कि प्रेम और मोह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अपने परिवार से प्रेम रखिए, मोह नहीं, क्योंकि मोह आपको हमेशा जकड़े रहता है, आपको अपने अंदर की यात्रा शुरू करने से हमेशा रोकता रहेगा। तो मोह से छुटकारा पाकर ही आप अपनी अंदर की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।